पूर्णिया से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जमीनी विवाद में गोली चली है। गोली लगने से एक व्यक्ति घायल हो गया है, जिसका इलाज पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि मरंगा थाना क्षेत्र के नेवालाल चौक पंचायत भवन के पास जमीनी विवाद का सीओ ने निराकरण भी कर दिया, मगर जमीन पर काम शुरू करने के बाद स्थानीय कुछ लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। वहीं मारपीट में घायल का इलाज कराने अस्पताल जा रहे लोगों पर दोबारा गोली चला दी, जिसमें एक व्यक्ति घायल है। पूर्णिया से सिटी हलचल न्यूज के लिए सरोज कुमार की रिपोर्ट। हम बाइक से आ रहे थे, अभी से एक घंटा पहले जो है जमीनी विवाद लेके झगड़ा हुआ था। अच्छा। उसका बगल अगल में कोई जमीन नहीं है, तो प्रशासन को हम लोग आवेदन दिए थाना में जाके, प्रशासन भी आए, ठीक है, समझा बुझा के चले गए कि फिर से नापी करवाएंगे, आप लोग शांति बना के रखें। तो हम लोग भी, अगला पार्टी भी, दोनों समझ गया, हम लोग अपना घर चले गए। भैया को मारा हुआ था, चोट लगा हुआ था, तो हम लोग बोले हॉस्पिटल में दिखा लेते हैं। तो भैया गए हुए थे इधर, तो हमको फ़ोन किया आने के लिए, तो हम आ रहे थे हॉस्पिटल। उस क्रम में जब घर से 500 मीटर 1 किलोमीटर के दायरे में एक वहाँ पर चौराहा से थोड़ा आगे जाके वहीं पर गोली मार दी। हम बाइक से अपना आ रहे थे, उसी क्रम में गोली चली। कौन जगह था ये? नेवाला पंचायत भवन। नेवाला क्या चीज से था? अपराधी क्या? अपराधी नहीं देख पाए ना, बगल में 4-5 लड़का खड़ा। कितने लोग से थे उन्होंने? वो लोग 8-10 आदमी थे। 8-10 आदमी? हाँ, बगल में अपना सब सर अपना नशा उसा में, स्माइल के नशा में धुत था। कितना गोली चलाया था? एक गोली चलाया था। कहाँ लगा? यहाँ हाथ पे लगा, 11-10 सीना पे, लेकिन बाइक जो चला रहे थे ना, छिटक के यहाँ लग गई। क्या नाम है आपका? कृष्णा कुमार सिंह। प्रशासन को इसकी सूचना दिए? प्रशासन को भैया भी कॉल किए, क्या रिस्पॉन्स? पहले से विवाद चल रहा था जमीन को लेकर? हाँ, पहले से विवाद चल रहा था। क्या नाम था उसका जिससे विवाद चल रहा था? विवाद तो हमारा अरुण मंडल से चल रहा है, जो सामने वाला है। अच्छा। अरुण मंडल उसका नाम है। हाँ। उसी से विवाद चल रहा था। तो वो बुलाए थे क्या अपराधी? वहाँ और अज्ञात लोग हैं, इसको हम नहीं पहचान पाए, सामने देखेंगे तो पहचान लेंगे। आपका क्या नाम है? कृष्णा कुमार सिंह। घर का नाम क्या है? प्रभु नारायण सिंह। घर का? घर नेवालाल चौक पंचायत। कई बजे की घटना? वार्ड नंबर 24। कई बजे घटना? अभी एक घंटा पहले, समय तो नहीं देख पाए, फटाफट हॉस्पिटल आए। हाथ में लगाया गोली? हाथ में लगाया गोली। जमीनी विवाद का मामला है, हमने जमीनी विवाद में माननीय अंचल पदाधिकारी सीओ साहब को आवेदन दिया कि हमारे जमीन का भूमापी कराया जाए। तो सीओ साहब की तरफ से अमीन को नियुक्त किया गया। अमीन साहब आए, वो अपने निर्धारित तारीख पे आए और उन्होंने नापी की। नापी करके उन्होंने सीओ साहब को रिपोर्ट जमा किया और सीओ साहब ने वेरीफाई रिपोर्ट हमें दिया कि आपका ये पोजीशन है, आपको यहाँ से काम करना है। हमने जब वहाँ पे काम चालू किया तो कुछ अज्ञात आदिवासी लोग जिन्होंने 50-60 की संख्या में हमारे ऊपर हमला किया। कब हमला किया? ये अभी एक डेढ़ घंटे पहले की घटना है। अच्छा। हमारे गले से सोने का चेन छीन लिया गया, हमारे दुकान में 2 लाख रुपया नगद रखा हुआ था वो ले लिया गया और हमारे जान माल को क्षति पहुंचाया। पुलिस को सूचना दिए थे? हमने पुलिस को सूचना दी थी, पुलिस ने बात को मिलाने की कोशिश की। अच्छा, तो कितने गोली फायरिंग हुई थी? फायरिंग में 2-3 राउंड फायरिंग हुआ, उनको एक राउंड लग गया और ये लगने के साथ वहाँ से भागने में सफल हुए। कौन? इसीलिए बच गए। कौन है ये? हमारे छोटे भाई है। अच्छा, किस जगह पे घटना हुआ था? ये हुआ भांगा टोली अंदर में सम्राट चौक से पहले। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गणेश कुमार सिंह। कौन है आप? हमारे इसके बड़े भाई। आपके फैशन से त्योहार की रौनक और बढ़ेगी दीपिक शॉप के साथ। हमारे न्यू कलेक्शन से शॉपिंग करें मेंस, वुमेन्स, किड्स वियर के बेहतरीन ब्रांड्स एकदम आपके बजट में। कालीबाड़ी रोड, भट्टा बाजार।